Hello everyone. So there was this one open mic for Friendship Day event yesterday, for which I was in the process of writing something. But at the last moment, my plan changed and I went to a trek. So at the end of the day, while we were waiting for the dinner, I performed my writing before everyone. So here's the video. Do let me know down in the comment section what do you think about it. Alfazon mein nahi, ehsaason mein hai, ye meri saari dosti yaari, kahaniyon mein nahi, jazbaaton mein hai. Phir bhi kuch in toote phoote alfazon sang baatein likhi hai, in jazbaati kahaniyon mein maine bas yaadein likhi hai. Bachpan mein ek do saal ka hote hi hum sab ko maa, papa ye bolna, ye kehna sikhaya jata hai. थोड़ा और बड़ा होने पर दादा दादी नाना नानी थोड़ा और बड़ा होने पर स्कूल में सिखाने वाली टीचर को मैम बोलना ये सिखाया जाता है और फिर क्या टीचर तो सारे ब्लड रिलेशन पापा की बहन बुआ मम्मी की बहन मौसी उनके बेटे भाई बहन ये सब सिखा देती है इन सब से बढ़कर एक रिश्ता है जो हमें कभी कोई नहीं सिखाता दोस्त फ्रेंड यू इस दुनिया की सारी डेफिनेशन से परे इस शब्द की कोई डेफिनेशन ही नहीं है किसी का दोस्त छोटा है तो किसी का बड़ा किसी का दूर है तो किसी का पास किसी का साथ होकर नहीं है किसी का ना होकर भी पास तो फिर ये दोस्त कौन है यू बचपन में माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे हम सब ने है लिखा पर एक्चुअली दोस्त क्या है ये हमें आज भी नहीं पता कौन है दोस्त Someone, something, somewhere with no restriction, limitation, boundaries, rules and regulation, basically with no specific meaning. यहाँ आए किसी का दोस्त उसके फर्स्ट स्टैंडर्ड का चड्डी बड्डी यार है तो किसी का उसके बचपन का पहला प्यार है किसी का दोस्त उसके ट्यूशन का यार है तो किसी का उसका पार्टनर इन क्राइम हर बार है किसी का दोस्त उसके कॉलोनी में रहने वाला यार है तो किसी का दोस्त उसके कॉलेज के साल साल का दिलदार है किसी का दोस्त वो दूर का रिश्तेदार है तो किसी का वो टपरी पे मिलने वाला अपना यार है इस दोस्ती की भले अलग अलग कहानी है दोस्त यही एक शब्द इन सभी की निशानी है यू बदलते वक्त संग ये निशानी आज और भी गहरी हो गई हे माँ अरे बाप से लेकर आज ये अरे यार हो गई